Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hi viewers, I am back. आज हम क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या है, किस तरह काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं. ठीक है, क्लिपबोर्ड का असल में ये होता है कि अगर आप कट कॉपी करते हैं तो वो डाटा ही ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है और आपको जब उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसे पेस्ट करवा सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. हम थोड़ा सा डाटा जो है इसमें इनपुट करते हैं एक्सेल शीट में. देखिए व्यूवर्स, ये हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा डाटा इनपुट कर दिया है. अब इस पर हम क्लिपबोर्ड की तरफ आते हैं. आपने देखे छोटा सा एक एरो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड नज़र आ जाएगा. इस वक्त ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है. अब हम इसके अंदर जो है जैसे काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी. देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं ट्रिपल बी पर. अब जैसे ही हम इसे कॉपी करेंगे, देखें ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है क्लिपबोर्ड में. अब हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक से पेस्ट किया जा सकता है. उसके अलावा अगर क्लिपबोर्ड को आप यूज़ करना चाहें तो इसे यहाँ रखें, यहाँ पर क्लिक करें, पेस्ट की ऑप्शन है, ये पेस्ट कर देगा. इसके अलावा अगर आप क्लिपबोर्ड पर जो ट्रिपल बी नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी आप रख कर क्लिक करेंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा अब हम कट करते हैं. अब हम इसे कट करते हैं, ये कट किया, ये देखें कट किया, वो भी क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली उसने सेव कर दिया. और इसके साथ फिर दोबारा हम कट करते हैं, ये देखें. ओके, अब व्यूवर्स हम चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को अगर हम चाहें कि ये ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली यहाँ पर पेस्ट हो जाए तो हम वन बाय वन करने की बजाय हम पेस्ट आल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट हो जाएंगी. ये देखिएगा, ये देखें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हो गई. ओके, इसी तरह अब हम अगर चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड में से कुछ आइटम डिलीट करना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये 444 को क्लिक करना चाहते हैं. हम ये देखें इस वक्त जो आपको एरो की नज़र आ रही है इस पर हम क्लिक करेंगे, इसमें एक पेस्ट की ऑप्शन आ गई, एक डिलीट की. जैसे हम डिलीट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो यहाँ से आइटम रिमूव हो गया. ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा हमने काम कर लिया है, हम बहुत सारा काम कॉपी कर लेते हैं और इसमें भी कॉपी किया, दिस एंड दैट. देखिए अब हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको हमने कॉपी कर लिया है. अब हम क्लिपबोर्ड पे यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो है चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए ताकि हम नए सिरे से कोई काम कर सकें. तो यहाँ पर एक बटन लगा है क्लियर ऑल का, आप इस बटन पर क्लिक करें क्लियर ऑल, ये देखिए तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा. आप इजीली जो है ना नए सिरे से काम कर सकते हैं. हम ट्रिपल डी को कॉपी करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, कॉपी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आ गया. इसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रिपल डी आ गया. इसी तरह हम इसको इस शीट के अलावा दूसरी शीट्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें आप शीट नंबर 2 है, यहाँ पर गए, शीट नंबर 3 है, ये एम्प्टी है. इस शीट में जाकर हम इस पर क्लिक करेंगे ट्रिपल डी आ जाएगा. एरो पे क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन दबाएंगे तब भी आ जाएगा. ये बड़ा इजीली है, इसमें हम बड़ा आसानी के साथ जो है इसमें काम कर सकते हैं. ये तो देखें छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम हमारे पास 100 पेजेस की शीटें हों, बहुत ज़्यादा शीटें हों, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. अब हम क्लिपबोर्ड के साथ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं, अगर आप इसको मूव करवाना चाहें तो ये देखें जैसे ये जो है पॉइंटर अपनी शेप चेंज करता है, इसका मतलब ये है कि आप इसको मूव करवा सकते हैं. इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ये देखें मूव करवा लिया हमने. इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं ताकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, अब हम इसकी एक और ऑप्शन है, उसमें मूव है, साइज है और क्लोज है. मूव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि अब हम इस पर क्लिक करें और इसे मूव कर सकते हैं. और इसके बाद इसकी दूसरी जो ऑप्शन है वो साइज़ की है, ये देखिए साइज़ करेंगे, एरो की नीचे हमारी चली गई है ऑटोमेटिकली और अब हम इसका साइज़ क्लिक करके चेंज कर सकते हैं. ये देखिए अब हमने इसका साइज़ चेंज कर दिया है. इसके बाद क्लोज़ की ऑप्शन है, क्लोज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं. आप स्टार जो बना हुआ है हमारा स्टेरिक एक्स, बहुत सारे आप इसे स्टार भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं, और अमूमन ये क्लोज़ बटन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा. अगर आप यहाँ पर क्लोज़ दबाएंगे ये क्लोज़ हो जाएगा. इसको दोबारा ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा इस एरो पे,
और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं और अब हम इसको इसकी असल पोजीशन में लाने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप पॉइंटर को रखें और इस पर डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये अपनी असल पोजीशन पे चला जाएगा। असल पोजीशन से मुराद मेरी वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अलाउ की है। ओके व्यूवर्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।